जैक चिल्ली। वो इसलिए जब मैं रात को बोलती हूँ कि सुबह उठ के नहा लेना, तो मेरे उठने से पहले ही रजाई लेकर गायब हो जहाँ पट्टे। अच्छा रे, एक तो अच्छी बात बता रहे और ऊपर से अकड़ रहा। हाँ यार अकड़ रहा। मजदूरी पूरी लेंगे चाची। अरे घर क्यों ना सोता, तेरी लड़ाई वड़ाई हो रही है क्या? वो तो मैं गाड़ी देख भाग गया, उसमें दिमाग है नहीं है, वहाँ बाहर पड़ा हुआ सो रहा है। इन दो काम मैं नहीं करने वाली। चाची अपनी रिजाई ले लो। और वो तो गाली देगा भागा। साले गड़बड़ हो गई है, यामिन की घरवाली ने पीट दिया, गलती तो मेरी थी। इकबाल भाई तू भी पहले नहा ही ले जाके। अरे नहीं नहीं मैं आज नहाऊं नहीं, आज मैं मिशन पे हूँ। अगर एक बार गोबर में सन गया तो हराम ज्यादा नहावे नहावे, मेरे 10,000 रुपए बच जाएंगे बेटा। और मुझे तो जाटा वैसे ही लग रहा, उसके हाथ तो इतनी बात आने लगी तो पता भी ना चला कब कम वक्त आ लेटा। अच्छा निवास के चक्कर में भूल गई। ये ले रोटी। रोटी खाओगे? अरे हरामजादे मेरे 10,000 रुपए बचवा दे। वो हरामजादा मेरी भी तो रजाई में घुस गया। हरामजादा बहुत ही बदतमीज। बाहर निकालो साले को, जान से मारेंगे। बहुत बड़े कुछ ना था ये, कहां फोड़ लिया सर तुमने? जाना। पता ना क्या क्या करते रहे। जल्दी यही भर के जल्दी इस बाल्टी में डूब के मर। बस हालो मुझे कुछ जीन नहीं दे रहा, भगा भगा के मेरा पसीना आवा दिया, मुझे जाड़ा भी उतार दिया साले। मैं पुलिस में जाऊंगा और तुम दोनों की रिपोर्ट लिखूंगा। भाई बिल्कुल लिखो लू, 10,000 रुपए मिलेंगे क्या तुम्हें? मेरा शेख चिल्ली नहीं है तो तुम वैसी पागल बना रहे थे हमारा। अरे मासूम, जब वो तुझे कीचड़ में डाल दे और तू कीचड़ में से निकल के, उनसे कहना मैं पुलिस में जाऊंगा। मैंने तो पहली कहा था, तुम क्या तुम्हारे बाप की बस की भी नहीं है मेरे शेख जी को निलाना। भाईजान मान जाओ, मैं तुम्हारा निगाह अपनी बहन से करा दूंगी। शेख जी हमारे बस की नहीं है तुम्हें निलाना, हम तो तुम्हारे हाथ जोड़। फिर मिलेंगे।